जी सर। नमस्कार, सत्यनारायण पाटीदार जी बोल रहे हैं जी। जी सर, मैं संजय यादव बोल रहा था अपना नीमच न्यूज से जी। अभी जैसा कि जो है जानकारी मिली है सभी की कि जो है जावद के अंदर अब जो है समंदर पटेल का जो है टिकट फाइनल हुआ है जी। अब सबसे पहले तो मैं आपकी बस प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि जो आपको जो टिकट आप लंबे टाइम से प्रयासरत थे, पिछली बार पार्टी के एक आदेश पर आप जो है नीमच चुनाव लड़ने के लिए चले गए जी और जावद से पिछले 5 सालों से लगातार मतलब आप उस वहां पे कुछ ना कुछ तैयारियों में लगे हुए थे जी और ऐसे में टिकट नहीं मिलने से आपकी क्या निराशा है, क्या प्रतिक्रिया है? सर, मेरा ये आपने बताया अच्छी बात कही कि मैंने पार्टी का हमेशा आदर खूब रखा है और पार्टी ने मुझे भी खूब दिया। मैंने भी पार्टी के लिए खूब संघर्ष किया, परंतु जो निर्णय पार्टी ने जावद विधानसभा क्षेत्र में किया, एक इंदौर का रहने वाला आदमी जो बारी है और पिछली बार एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था जो कांग्रेस को हरवाया था, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिन सरकार गिरा दी थी, जो मध्य प्रदेश के एक आशा की किरण थी, सरकार थी लंबे समय से बनी थी, जनता के मुद्दों पर काम कर रही थी, और सिंधिया के गद्दार जो सिंधिया ने सरकार गिराई, उसके साथ जो आदमी चला गया भाजपा में, 4 साल तक उसने माल सूप लिया, मलाई खा ली, और उसके बाद हमारी कार्यकर्ताओं की भावना के ऊपर ठहरा। दूसरी बात, हम ये अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, जो हमारे कमलनाथ जी नीमच भी बता रहे थे, कई आम सभा में, हजारों आम सभा में उन्होंने कहा था कि स्थानीय पॉलिटिक्स स्थानीय हो गई है, तो हम स्थानीय को भी मौका देंगे, और नीमच की धरती पे भी उन्होंने बोला था कि स्थानीयों को मौका देंगे, और उन्होंने यहां तक भी कहा था कि रजिस्ट्री भी मान्य नहीं करूंगा, पैतृक संपत्ति जिसकी होगी उसको मान्य दूंगा। तो कहीं कहीं ये हम इसका आशा की कारण, और हमारे विश्वास था कमलनाथ जी के ऊपर, जो विश्वास कार्यकर्ताओं को नहीं खरे उतर पाए या जो भी माने उस चीज को, और एक समुन्द्र पटेल को इंदौर से लाके हमारे बीच में लड़ा दिया। मैं जानता हूं कि 1,80,000 मतदाता है, 81,000 तो कम से कम क्या उसमें कांग्रेस का एक वर्कर ऐसा जो कार्यकर्ताओं की सेवा कर सकता है, वो नहीं था। हमने ईमानदारी से 20 साल तक सेवा करी है, तो हम यही चाहेंगे कि जो अगर ये निर्णय, अगर कल हम 22 तारीख को कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, उसमें पुनर्विचार के लिए हम कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे, हमारे राहुल गांधी से अनुरोध करेंगे, खड़गे जी से अनुरोध करेंगे, उसके बाद भी अगर निर्णय चेंज नहीं होता, क्योंकि 31 तारीख तक बी फॉर्म लगाने की समय रहता है, तो हम एक बार तो पार्टी से हम मांग करेंगे, और पार्टी से सब कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कल महाकुंभ है जावद में, और सबकी भावना के अनुरूप हम कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे, अन्य विनय करेंगे, उसके बाद अगर हमारी बात पे विचार नहीं होता है तो जो कार्यकर्ता कहेंगे, क्योंकि पार्टी में और नेता के लिए कार्यकर्ता भगवान होता है, तो मैं जो कार्यकर्ता जो कहेंगे वो करूंगा। सत्यनारायण जी, इस चीज से आपके दो जो है बातें सामने आई है, विरोध समंदर पटेल का है या आपको टिकट नहीं मिला है इसलिए विरोध है? नहीं नहीं नहीं, हमारा समुद्र पटेल का विरोध है। मैं पहले भी सर का आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध किया था कि साहब आप स्थानीय में, अगर मैं उचित नहीं हूं, मेरे में कोई कमी है, पार्टी की मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, कमी रही होगी तो उसको अगली बार पूर्ति करूंगा, पर जावद की धरती पर जो सोता है, जहां पैदा हुआ है, उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो वो बात भी कहीं के सामने। मेरा विरोध केवल, मैं ये नहीं कि मेरे को टिकट मिला, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, अगर स्थानीय आदमी को टिकट देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो संसाधन मैंने जुटा रखे हैं, जो मैंने पैसा जमा रखा है, और मेरे जो मैं चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे जो लगा रखे, सोच रखे थे, वो सारे उस कार्यकर्ता के लिए लगूंगा। ये मैं विश्वास के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हमारे जो हमारे कप्तान है, राहुल जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, जितने भी लीडर्स है जो हमारे मध्य प्रदेश के सुरजेवाला जी है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज भी एक कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूंगा, और एक विश्वास दिलाता हूँ, जो फॉर्म भरने की फीस से अंतिम परिणाम तक का खर्चा मैं उठाऊंगा, चाहे मुझे। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात कही है, जो एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए, शायद वही चीज आपने कही है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक आरोप लगाया था कि गद्दार के साथ गद्दार चला गया और 4 साल मलाई खाली, जी किस तरह का आरोप है ये समंदर पटेल का? इस तरह से मतलब क्या ऐसा कुछ करा है या ऐसा कुछ है? सर सीधी बात है, आज हम तो पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं सर। आखिर उसने पहली बात पार्टी के उम्मीदवार के साथ पार्टी का चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वहां तक भी ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, आपके सामने की बात है कि जब सिंधिया ने सरकार गिराई, वहां तक सरकार गिरा दी, सिंधिया अलग बात होगी, सिंधिया चला गया समुद्र से, उसका कोई लेना देना नहीं, तो आपकी आत्मा किसके साथ है? आपकी आत्मा, आपका मन विचारधारा के साथ नहीं है, आपका मन पार्टी के साथ नहीं है, आपका मन सिंधिया जो गद्दार था उसके साथ है। आप उसके साथ चले गए, 4 साल तक भाजपा की, 3.5 साल भाजपा की सरकार में आपने मंत्रियों के साथ डिनर किए, मंत्रियों के साथ मले छूटे, सिंधिया के साथ रात दिन बैठ रहे, और जब पार्टी ज्वाइन करी उसके दिन 9 तारीख को 10 तारीख को कमलनाथ जी से मिले और 9 तारीख को सिंधिया के साथ उसके प्रेस नोट आया, तो कहीं कहीं उसकी भावना आज भी सिंधिया के साथ है, मैं तो ये मानता हूं, ये जावद का कार्यकर्ता मानता है, और फिर अगर 2-5 सीटों का अगर फेर रहा है तो निश्चित है कि वो सिंधिया के साथ जाएगा, फिर हमारे साथ चलोगा, इसलिए हम पहले ही हमारे
नेतृत्व को बता रहे हैं ऐसे आदमी पर आप पार्टी विचार नहीं करे, ऐसे पार्टी दाव नहीं लगावे, किसी भी एक कार्यकर्ता के ऊपर लगाते हम कार्यकर्ता जिताने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम कार्यकर्ता लेंगे, यही कल हम संकल्प लेंगे तो इस तरह किसी को भी देगी हम जिता के भेजेंगे, इस बात की गारंटी 4,000 से 10,000 लोग इकट्ठे करेंगे हम और वो हाथ खड़े करके एक बात के लिए वचन करेंगे तो इस तरह कोई भी उम्मीदवार होगा उसको हम जिता के भेजेंगे। अभी जैसा कि आपने बताया कि कल आप लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन इकट्ठे होने में भी आपने तीन जो है प्रमुख नेताओं ने मांग करी, राजकुमार जी अहिर और आपने रिकुल जून ने, तो ऐसे में मतलब कार्यकर्ताओं की भावना में किस तरह से, मतलब ये केवल समंदर पटेल की बगावत है या आप हो सकता है कि कल अपनी निर्दलीय उम्मीदवार तैयारी कर सकते हैं? हमारी पहली प्राथमिकता समुंदर इन्हें वाला है, गद्दार के साथ गया है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात हम पहुंचा रहे हैं, उसके बाद ही पुनः विचार नहीं होता है। तो जो कार्यकर्ता उसके लिए स्वतंत्र सत्यनारायण पाटीदार पार्टी से बंधा हुआ पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, पर कार्यकर्ता स्वतंत्र है हम उनसे ये अनुरोध करेंगे। क्या माने मतलब सत्यनारायण पाटीदार शायद जो है अगर ये पार्टी बात नहीं मानती है तो कार्यकर्ताओं की भावना के लिए, जनता की भावनाओं के लिए निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? सर कल जो पार्टी कार्यकर्ता जो कहेंगे, मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था पर लेकिन हम 30 तारीख तक एक विचार करते हैं, 31 तारीख लास्ट है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं कल भावना करेंगे, कार्यकर्ताओं को कहेंगे हम इनको अपन सिंधिया गद्दार को अपन स्वीकार करेंगे, कार्यकर्ता के स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है, हम कार्यकर्ता से बड़े नहीं हो सकते। और फिर वो कह देंगे, कार्यकर्ता कह देंगे कि अपने को अगर ऐसी परिस्थिति में अपनी बात नहीं तो ये जो कार्यकर्ता है ये कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात बता रहे हैं या सत्यनारायण पाटीदार और राजकुमार अहिर समर्थकों की बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं समर्थक नहीं, आप देखना वहाँ पूछना, आप एक एक कार्यकर्ताओं से पूछना, वो जो अंतिम वहाँ 201 नंबर से लगाकर 218 नंबर पोलिंग के कार्यकर्ता वहाँ आएंगे, आप उनसे बात करेंगे तो कह देंगे हम कोई व्यक्तिगत किसी हमारे साथ नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, हमने 20 सालों से हम सर इस तरह जो एक ओम प्रकाश सकलेजा मंत्री है उसने लोगों की 10,000 बीघा जमीन चली गई, लोगों का 3,000 हो गए, कई एनडीपी के फर्जी मुकदमे बने, तो ऐसे लोगों को सहन किया हमने, उसके बाद भी हम 20 साल में कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, ये संभव नहीं, हम कांग्रेस को जिताएंगे और जिताने के लिए संकल्पित है 1000% पर, लेकिन हमारी बात पर कमलनाथ जी विचार करें, इस बात के लिए हम कल आप आइए महाकुंभ बुलाया है, उसके बाद 30 तारीख बाद जो भी होगा 31 तारीख पर विचार करेंगे, जैसा पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे कि ये करना है तो करेंगे। 5 साल तक जो है मतलब जब आप लास्ट पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकर अब तक राजकुमार अहिर जी और आप लोगों के अंदर मतभेद रहा, अचानक से जो है एक तीसरे व्यक्ति के लिए आप लोगों की दोस्ती हुई, कारण? नहीं सर ये सर पहले क्या उसकी उनकी वो महत्वाकांक्षा थी कि मैं चुनाव लड़ू, मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं चुनाव लड़ू, इसलिए हमारे कोई मतभेद छोटे मोटे हो सकते हैं, पार्टी विचार परिवार में होते हैं, पर लेकिन अब जब जावत के संकट की बात आ गई, जावत के कार्यकर्ताओं का एक अस्तित्व की बात आ गई, तो उस बात पे हमने कहा कि इस इंदौरी वाले मामले पे कम से कम हम एक रहे और जावत को जो एक इंदौरियों के बाहुबलियों के एक माफियाओं के हाथ में जा रहा है तो उसको रोकने के लिए हमने हमने हमको दिल को बड़ा किया है और कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको एक होना पड़ेगा, और पहले भी मैंने दिग्विजय सिंह के सामने भी कहा था कि साहब मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, मैंने सावरे स्टडी कसम गई थी कि हम ये आज ही कार्यकर्ताओं के लिए जो निर्णय होगा हम दोनों में से हम स्वीकार करेंगे, मैंने आज दोस्ती तोड़ी, मैं तो दिग्विजय सिंह के सामने भी कसम गई है जी, है ना सर। एक तो आखिरी सवाल सत्यनारायण जी, जैसा कि अभी एक ह्यूमर चल रहा है, एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि समंदर पटेल को टिकट इसलिए मिला है क्योंकि उसके उनके पास में पैसा है और कांग्रेस से उनने टिकट खरीदा है और कहीं ना कहीं नीमच की तीनों सीटों का खर्चा उठाने का जो है मतलब वादा किया है या खर्चा उठा रहे हैं इसीलिए कांग्रेस, तो क्या वास्तविकता में कांग्रेस ने टिकट बेचा है? आपकी मतलब कोई भी विचार आपके पास आता है तो विचार को यहाँ पैदा नहीं होता, विचार की आवाज आती है या सुनने के बाद ही विचार निकल रहा है, कार्यकर्ताओं ने भी सोचा है, कार्यकर्ताओं ने सोचा कि जो 20 साल तक कांग्रेस हार गई फिर 25 साल में इंदौर के आदमी को जो पैसे वाला है उसको यही उसके क्राइटेरिया क्या, उसने कभी जनता की सेवा नहीं की, किसी को आंदोलन नहीं किया, किसी को थाने से नहीं छुड़वाया, किसी ने मोटरसाइकिल नहीं छुड़वाई, कार्यकर्ता के दुख में साथ नहीं रहा, किसी को ब्लड नहीं दिलवाया, किसी को हॉस्पिटल मिलने नहीं गया, तो आज अगर उसको टिकट मिलता है तो कार्यकर्ता अगर सोचता है तो स्वाभाविक बात होगी बात है, विचार अगर कार्यकर्ता सोचता है तो सही सोच रहा होगा, बड़ी बात है। किस तरह का कल आयोजन रहेगा और क्या मतलब रूपरेखा रहेगी कल आपकी? सर कल ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा, हमारा लक्ष्य है 10,000 लोगों का और इकट्ठित करेंगे और कार्यकर्ताओं और आप स्वयं देखेंगे वास्तव में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का मन है, कार्यकर्ताओं की पीड़ा है और लोग जो स्तर पर काम बात कर सकते हैं वो सब करेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो अभी तक नहीं हुआ और आगे भी चुनाव में नहीं होगा चाहे कोई भी लड़े। ये अपनी ये वार्ता जनता के बीच जाएगी, इसलिए आखिर में एक चीज और पूछ लेता हूँ आपसे कि ये आयोजन कहाँ होगा, कब होगा,
सर ये कल तहसील परिसर के जो सामने एक खेत है उसमें हमने कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करी है, टेंट तंबू लगाए हैं, वहाँ आयोजन रखा गया है और सभी कार्यकर्ता वहाँ पधारेंगे। समय क्या रहेगा? समय 12 बजे जावद में। जी जावद में तहसील परिसर के सामने। ठीक है, अपना नीमत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद मनीष संजय भैया।